नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया प्रोटीन की खोज किसने की थी, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, और दोस्तों किस किस में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको देखना है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ और एक एक क्वेश्चन आपको यही याद करवाने का वादा करता हूँ। बस शर्त मेरी ये है कि वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है दोस्तों, प्रोटीन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए मूलर ने, ऑप्शन नंबर बी बर्जिलियस ने, ऑप्शन नंबर सी प्यूमिंग ने, ऑप्शन नंबर डी कोनी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। मूलर ने दोस्तों क्या किया? प्रोटीन की खोज की। मूलर ने क्या किया दोस्तों? प्रोटीन की खोज की। बात क्लियर है? रटने पड़ेंगे भैया, वैज्ञानिक के नाम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बर्जिलियस की बात करूं दोस्तों तो इसने प्रोटीन शब्द दिया। इसने क्या किया दोस्तों? प्रोटीन शब्द दिया। प्रोटीन शब्द दिया। अगर दोस्तों प्यूमिंग की बात करूं तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की संरचना को बताया। प्रोटीन की संरचना दी। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझा देता हूं। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया प्रोटीन की खोज किसने की, तो दोस्तों प्रोटीन की खोज की थी मूलर नामक वैज्ञानिक ने। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया प्रोटीन शब्द किसने दिया, तो दोस्तों प्रोटीन शब्द दिया था बर्जिलियस ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोस्तों प्रोटीन की संरचना को सबसे पहले किसने समझाया था, तो दोस्तों प्रोटीन की संरचना को सबसे पहले समझाया था प्यूमिंग नामक वैज्ञानिक ने। आशा करता हूं दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि प्रोटीन के स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए अंडा, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी पनीर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों, वो सोयाबीन को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? सोयाबीन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। वैसे दोस्तों अंडा भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, सोयाबीन भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, और दोस्तों पनीर भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा दोस्तों मांस, मूंगफली, दूध, गेहूं और दोस्तों मशरूम, चावल, इन सभी में दोस्तों चावल, दाल, इन सभी में दोस्तों प्रोटीन पाई जाती है। अर्थात मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ये प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत है। दोस्तों कौन कौन हो सकते हैं? अंडा हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, पनीर हो सकता है, मांस हो सकता है, मूंगफली, दूध, गेहूं, मशरूम, चावल, दाल, ये सभी दोस्तों प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत है। तो दोस्तों आपको जो याद रखना है दोस्तों, वो एक तो सोयाबीन रखनी है, एक अंडा रखना है, एक पनीर रखनी है, और एक दोस्तों दूध तो रखना ही रखना है। दोस्तों किस किस में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है वो भी दोस्तों मैं अभी आपको आने वाले क्वेश्चनों में बताने वाला हूं। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपके छोटे भाई की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर दोस्तों देरी किस बात की, अब चले आगे, आपने सब्सक्राइब तो कर दिया ही होगा।
दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रोटीन का कार्य है ऑप्शन नंबर ए घाव भरने में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कि यह शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर सी है कि यह उत्तक मांसपेशियां और एंजाइम बनाने में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कि प्रोटीन प्रतिरक्षी बनाने में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइज ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं जो प्रोटीन होती है ये दोस्तों घाव भरने में सहायक होती है। किस तरीके से, मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, घाव पड़ गया, खून बह रहा है, तो दोस्तों उस घाव को भरने में कौन सहायक होती है, यानी कि उस घाव को भरने में प्रोटीन का योगदान होता है। दूसरी बात दोस्तों ये शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ विकास यानी डेवलपमेंट करने में भी सहायक होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोस्तों ये ह्यूमन बॉडी में करने के लिए सहायक होती है, इसलिए दोस्तों आप कह सकते हो कि जो प्रोटीन होती है ये शरीर की वृद्धि और विकास भी करती है। दोस्तों जो प्रोटीन होती है ये दोस्तों उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तक क्या होते हैं, उत्तक दोस्तों कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, बात क्लियर है। तो ये उत्तकों के निर्माण में भी सहायक होती है, मांसपेशियों के भी निर्माण में सहायक होती है, और दोस्तों एंजाइम बनाने में भी सहायक होती है। आपको मैं एक बात बता दूं, जो एंजाइम होते हैं लगभग दोस्तों 95% जो एंजाइम होते हैं वो दोस्तों प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन प्रतिरक्षी बनाने में सहायक होती है। दोस्तों जो प्रोटीन होती है वो एंटीबॉडी बनाती है, क्या करती है दोस्तों एंटीबॉडी बनाती है, जिसे दोस्तों शरीर में होने वाली जो बीमारी होती है बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको दोस्तों नष्ट करने में सहायक होती है, उनको जल्दी खत्म करने में सहायक होती है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होती है वो प्रतिरक्षी बनाने का कार्य करती है। तो दोस्तों आपका फाइनली जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रोटीन के ये सभी मुख्य कार्य। एक कार्य और बता देता हूँ दोस्तों, प्रोटीन हमें ऊर्जा प्रदान भी करवाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, बात क्लियर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, देखिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनसे दोस्तों हमें ऊर्जा मिलती है, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जबकि दोस्तों पानी से, खनिज तत्वों से और जो विटामिन्स होते हैं इनसे दोस्तों हमें ऊर्जा नहीं मिलती, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक गिलास पानी में कितनी ऊर्जा होती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पानी होता है दोस्तों उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती, बात क्लियर है। तो कहने का मतलब आप एक ग्लास पी लीजिए, दो ग्लास पी लीजिए, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी के अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ह्यूमन फिजियोलॉजी लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है, दोस्तों मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखनी है, फिर बता रहा हूँ, अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखनी है पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जितने भी बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं सब जगह जाकर देख लीजिए, किसी ने भी अब तक बायोलॉजी की पूरी चैप्टर वाइज एमसीक्यू नहीं करवाई है। अगर आपको देखनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रोटीन की कमी से रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए क्वासियरकोर, ऑप्शन नंबर बी मेरस्मस, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी दोनों। देखिए दोस्तों जो क्वासियरकोर होता है ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है, ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है। जो मेरस्मस होता है दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी होता है, वसा की कमी से भी होता है, और दोस्तों प्रोटीन की कमी से भी होता है।
इन दोनों के लक्षण बता देता हूँ, अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों क्वासी और कोर की, प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है। दोस्तों अधिकांश प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं दोस्तों वो किस में होते हैं, वो बच्चों में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों, बच्चों में होते हैं। दोस्तों क्वासी और कोर जो बीमारी है ये दोस्तों 2 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में होती है, 2 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में होती है। जो रोगी होगा दोस्तों उसके बाल झड़ने लग जाएंगे, बाल झड़ने लगेंगे, उसे दोस्तों भूख लगना बंद हो जाएगी, और जो रोगी होगा दोस्तों उसका पेट फूला हुआ होगा, पेट फूला हुआ होगा, मांसपेशियां कमजोर होगी, मांसपेशियां कमजोर होगी। समझ में तो आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रहा हूं। अगला देखिए दोस्तों, जो रोगी होगा उसका शारीरिक वह मानसिक रूप से परिवर्तन रुक जाएगा। मैंने दोस्तों 3-4 लाइन लिखा है, इनका मतलब क्या है दोस्तों, क्वासी और कोर जो बीमारी है दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। प्रोटीन की कमी से अधिकांश मुख्यतः जो बीमारी होती है दोस्तों वो बच्चों में होती है। बात क्लियर है दोस्तों, क्वासी और कोर जो बीमारी होगी वो दोस्तों अधिकांश 2 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में होगी, पहली बात। दोस्तों जो रोगी होगा उसका इस बीमारी में लक्षण की बात कर रहा हूँ, बाल जो है वो झड़ने लग जाएंगे, उसको भूख लगना बंद हो जाएगी, दोस्तों भूख लगना बंद हो जाएगी उसको, उसका पेट फूला हुआ होगा, और दोस्तों उसकी मांसपेशियां है शरीर की दोस्तों वो कमजोर हो जाएगी, और दोस्तों उसका शारीरिक और मानसिक तौर पर जो परिवर्तन है दोस्तों वो रुक जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों क्वासी और कोर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरास्मस की बात कर लेता हूँ, पहला लक्षण मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। यह बीमारी 1 से 2 वर्ष के बच्चों में होती है, 1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी जो गर्दन है वो पतली होगी, इसकी जो पसलियां है वो दिखाई देने लग जाएगी, हाथ पैर बिल्कुल कमजोर होंगे, और इसका भी दोस्तों शारीरिक व मानसिक परिवर्तन रुक जाएगा, शारीरिक व मानसिक परिवर्तन रुक जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों मेरास्मस जो बीमारी है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा की कमी से होने वाली एक बीमारी है। दोस्तों मेरास्मस जो बीमारी है ये अधिकांश यानी मुख्यतः 1 से 2 वर्ष के बच्चों में होती है। इसमें दोस्तों जो रोगी होगा उसकी गर्दन बिल्कुल कमजोर होगी, उसकी पसलियाँ है वो दिखाई देने लग जाएगी, उसके हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले होंगे, और दोस्तों उसका शारीरिक और मानसिक तौर पर परिवर्तन रुक जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बाल व नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 केराटिन, ऑप्शन नंबर 2 एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर 3 केसिन, ऑप्शन नंबर 3 प्रोलेमिन। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 केराटिन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें मैंने वो ही लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बाल व नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, तो भैया केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना अंडे में प्रोटीन पाई जाती है एल्ब्यूमिन। कौन सी पाई जाती है दोस्तों, एल्ब्यूमिन पाई जाती है। दूध में कौन सी पाई जाती है ये भी पूछा जाता है, तो भैया दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भैया दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों दाल में प्रोटीन पाई जाती है प्रोलेमिन्स। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, प्रोलेमिन्स पाई जाती है। एक और है दोस्तों, वो है दोस्तों ग्लूटेलिन, ग्लूटेलिन ये पाई जाती है दोस्तों गेहूं व चावल में,
गेहूं है चावल में। आप कह सकते हो दोस्तों कि भैया अनाज में पाई जाती है, कौन से पाई जाती है, ग्लूटेन। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों, इससे बार आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बाल व नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन पाई जाती है। एल्ब्यूमिन अंडे में पाई जाती है। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। दाल में प्रोलेमिन्स पाई जाती है। गेहूं व चावल व अनाज में ग्लूटेलिन पाई जाती है। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो एक ये है, एक ये है, और दोस्तों एक ये है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत बार पूछी गई है। अब दोस्तों इनकी संभावना नहीं रहती कि ये अब आपसे पूछी जाएगी। बात क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार अब सब्सक्राइब कर दो यार, बार बार कहने में शर्म आती है। भाई हो ना आप मेरे बड़े भाई, कर दो यार। ठीक है फिर चलते हैं। हाँ एक बात को ध्यान रखना, कल इसका पार्ट 2 आएगा। आज मैंने दोस्तों आपको वो कहानी बताई है जो दोस्तों हर स्टूडेंट को आती है, लेकिन कल मैं प्रोटीन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ कि जो दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आगे भी आपसे पूछे जाने की संभावना है उन क्वेश्चनों पर। हाँ क्वेश्चन दोस्तों चेंज होकर के आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन वहीं से ही आएगा, कहने का मतलब ये है दोस्तों मेरा। इसलिए दोस्तों क्लास 2 जरूर देखना है इसकी। ठीक है फिर चलते हैं अब, बाय। हाँ मेरा फेवरेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।